कि किस हिसाब से इस राज्य में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, और मैं मीडिया कर्मियों को विशेषकर धन्यवाद देता हूं जिस हिसाब से आपने गोड्डा की बेटी पूजा भारती की निर्मम हत्या जो हुई है उसको लेकर लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है, और जिस हिसाब से राज्य के मंत्री गोड्डा की पूजा भारती के घर पहुंचते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि 48 आवर्स में हम लोग अपराधियों को पकड़ लेंगे, और अभी तक सरकार के तरफ से या फिर DGP के माध्यम से हम लोगों को केस की प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं पता चला है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हेमंत सरकार लड़कियों को लेकर, हेमंत सरकार महिलाओं को लेकर, हेमंत सरकार अपराधियों को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन आज का मुद्दा हम लोगों का माननीय जिक्र पर केंद्र बिंदु आधारित है, और इसमें बहुत कुछ कहने लायक नहीं है, आप सब देख रहे हैं। मैं और किशनदास जी चीज़ों को समझ रहे थे, और हम लोगों ने सिर्फ इतना ही इसमें जाना है कि सरकार ने लक्ष्य तो निर्धारित किया है 17,000 करोड़ का, और प्रति माह आमद में 1,400 करोड़ लाने का। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने काम किया है, जिस हिसाब से सरकार ने चीज़ों को देखा है, समझा है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कमर्शियल टैक्स कलेक्शन इस राज्य का सबसे खराब रहा है, और अभी तक का अक्टूबर तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो टैक्स कलेक्शन मात्र 31% रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट अगर होना है तो वहाँ पे कमर्शियल टैक्स की कितने सरकार को प्राप्ति होती है उस पर निर्भर करता है, और अगर कहीं और किसी प्रदेश का कमर्शियल टैक्स का कलेक्शन का मैकेनिज्म कोलैप्स कर जाता है तो उस राज्य की तरक्की के बारे में, विकास के बारे में फिर आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करता हूँ रघुवर दास जी के कार्यकाल को, और मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप 16-17 का आंकड़ा देखेंगे वाणिज्य कर विभाग का, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने, झारखंड प्रदेश ने 16-17 में पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया था। गुड्डा की छात्रा के जघन्य हत्या से पूरा राज्य नरमाहत है, लेकिन राज पर राजनीति करना बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। और मांझी की घटना पर भी इन्होंने निर्भया से जोड़ने तक का काम किया, लेकिन घटना का उद्भेदन हो गया। खूंटी के एक पत्रकार के पुत्र की हत्या की भी सार्वजनिक जानकारी आपके सामने है। अमूमन जो घटनाएं हो रही है या तो वो रिश्तेदार है या फिर उनके जानने वाले। DGP MB राव जी ने वादा किया है कि 2 दिनों के अंदर हम गुड्डा की घटना का भी पर्दाफाश कर देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए भाजपा के नेताओं का, बहुत जल्द इनके पर्दाफाश हो जाए। दूसरा जो इन्होंने कहा है GST कलेक्शन की बात, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस कोरोना काल में राजस्व संग्रहण पूरे देश में, पूरी दुनिया में कम हुए, और अगर इन्होंने इतना ही संग्रहित करके राजस्व रखा था तो हमारा खजाना खाली क्यों था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि राजस्व के संग्रहण में स्थितियां अनुकूल हो रही है, इन्हें पूछना चाहिए कि GST और जो हमारा GDP है वो -23 कैसे चला गया। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज अगर झारखंड को मिले होते तो आज कायाकल्प हो गया। मैं समझता हूँ अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस नई राजनीतिक परिपाटी को जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।